कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का विरोध प्रदर्शन करते हुए पैरामेडिकल के छात्रों ने शिवपुरी में राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज से माधव चौक तक पैदल मार्च निकाला। माधव चौक पर देश की बेटी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और बेटी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। बेटी को न्याय देने की मांग के साथ पैरामेडिकल के विद्यार्थियों ने मांग की है कि दोषियों पर कार्यवाही कर जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। साथ ही पैरा मेडिकल के विद्यार्थियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि समानता नहीं सुरक्षा चाहिए, देश की बेटी को न्याय चाहिए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक कुमार आचार्य है, मैं पैरामेडिकल छात्र हूँ जो कि विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। आज हमने पैदल मार्च निकाला है जो कि हमारे जूनियर डॉक्टर को कोलकाता में उनके साथ में इतनी निर्मम हत्या की गई है और उनके साथ में इतना मतलब बहुत गलत किया गया है, उनका रेप किया गया है, उनकी हत्या कर दी गई। तो हम चाहते हैं सरकार से कि उनको एक न्याय मिले और उनको आगे से ऐसी कभी कोई घटना ना हो और दोषियों को इतना कड़ा दंडित रखा जाए कि मतलब आगे कोई भी ऐसी घटना करने के लिए 100 बार सोचे और उसे करने से पहले 10-10 बार सोचे और हाथ पैर कांप जाए। इतनी मतलब इतनी अच्छी तरीके से सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम सब अपील करते हैं सरकार से कि इस वो जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए और हमारी जूनियर डॉक्टर को न्याय मिले। धन्यवाद। आज आपने जो मार्च निकाला पैदल मार्च और श्रद्धांजलि भी दी गई है, किसको श्रद्धांजलि दी गई है और क्या कुछ भी बता रहे हैं? कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप मेडल उसमें निकाली गई है उनको, एक लड़की का केस नहीं है, यहाँ हजारों लाखों की होती है, हमें पता भी नहीं होता। उसको रोकने के लिए और अपराधी को फांसी की सजा दिलाने के लिए सारे दोषी निकाली गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।